हेलो जी, सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। असी पिंडां वाले चैनल ते मेरे सारे वीरां ते मेरियां भैणां दा स्वागत है जी। ते मेरे चैनल ते आउण लई सारयां दा तहे दिलों धन्नवाद। ते वीडियो देखण ते बनाउण तों पहलां जिन्हां ने नहीं मेरे चैनल नूं अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता, सो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। ते नाले जिहड़े घंटी वाला बटन आ जी उहनूं दबा दो तां कि मेरियां आउण वालियां वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहानू मिलती रहे। ते अज आपां बनावांगे चना मसाला काले छोलियां दी सब्जी। चलो जी बनाउने आ काले छोलियां दी सब्जी। हाँ जी, ये ने काले चने, काले छोले कहने जिन्हां नू आपां, इन्हां नू हुण आपां 2-3 पानियां दे विच चंगी तरह धो लिया। ते हुण आपां इन्हां नू पूरा दिन धुप्प दे विच सेक च रखांगे तां कि पूरी तरह फुल के है ना भी सॉफ्ट हो जाण। ते छेती जदों आपां इन्हां नू विसल करावांगे ते छेती पक जांदे आ। ते सूरज की तपश वाले हुण आपां पकावांगे, इन्हां नूं धुप्प च रखांगे। लो जी, सारा दिन हुण इह धुप्प च रखांगे इन्हां नूं आपां। ते धुप्प की तपश दे नाल, सूरज की तपश दे नाल इह पक्कणगे। ते फिर उदू बाद आपां इन्हां नूं कुकर दे विच विसल करावांगे। लो जी, जिहड़े छोले आपां अज दिने धुप्प विच रखे सी उह इस तरह ऐ फुल गए पूरी तरह। हुण आपां इन्हां नूं कुकर च पा के 4-5 विसलां करावांगे। ते पानी पूरा गर्म हो गया क्योंकि धुप्प विच पिया सीगा इह। ते नाल ही मैं 4 आलू ने जिहड़े धो ले ने, धो के समार के इहदे विच पा दांगे, इह वी नाल इह उबल जाणगे। ते कम्म इकट्ठा ही हो जांदा, सौखा हो जांदा। थोड़ा जिहा आपां पावांगे इहदे विच पानी, ते नाल पावांगे आपां इहदे थोड़ा जिहा नमक। नमक थोड़ा पावांगे क्योंकि फिर आपां सब्जी 'च वी पाउणा, फिर वध हो जांदा। ते हुण आपां इहनूं 4-5 विसलां, मेरा मतलब सीटियां लवावांगे जी। ते जिहड़े आलू ने, वैसे मैनूं पसंद नहीं हैगे इहदे विच काले छोलियां दे विच, इह तां मैं ग्रेवी नूं जिहड़ा वी आपां गाढ़ी करनी आ ते उहदे करके पाए ने। लो जी, हुण आपां इहदा ढक्कन ला के विसलां लगावांगे। लो जी, अपने जिहड़े काले छोले धरे हुए सी इहनूं 5-6 विसलां लग गईआं ने। ते हुण आपां इहनूं नीचे लाहांगे। ते हुण आपां रखांगे इक कड़ाही, ते इहदे विच 3-4 प्याज ने, टमाटर ने, ते लहसुन आ उह पावांगे जिहड़ा आपां मसाले लई धो के तिआर कीते ने, कट्टे ने। ते हुण इहदे विच पावांगे आपां थोड़ा जिहा पाणी, ते नाल ही आपां इहनूं 5-7 मिनट लई पकावांगे। इहनूं आपां ढक के पकावांगे, इहनूं आपां हुण ढक के पकावांगे 5-7 मिनट लई। ते इहदे विच आपां खड़े मसाले वी पा सकदे हां, जिवें इलायची, तेज पत्ता ते दालचीनी वगैरह, लौंग ते लौची इलायचियां वी पा सकदे हां। पर गर्मी करके मैं नहीं पाए ते ना ही मैं अदरक पाया, गर्मी बहुत है जी। हुण इहनूं आपां पक्कण देवांगे ते उस तों बाद इहदी आपां ग्रेवी तैयार करांगे। लो जी, आ टमाटर, प्याज ते लहसुन जिहड़े आपां ने पकाए सीगे पाणी 'च थोड़ा जिहा 5-7 मिंटां लई, उह हुण ठंडा हो गया। ते 2 पावांगे आपां इहदे नाल मिर्चां। ते हुण आपां इहनूं ग्राइंड करांगे कप 'च पा के। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਮੈਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਗ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਪਸੰਦ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਗ ਦਾ ਟੇਸਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀਰਾ।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ लो जी हुण आपां इहदे विच पावांगे थोड़ी जी देगी मिर्च ते लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर ते नमक नमक कुछ आपां छोलियां च भी पा है ते थोड़ा पावांगे फिर देख के पै जूगा जी हुण आपां इहनूं मसाले नूं चंगी तरह पकावांगे जिन्ना तक सर ये भी कि वो भी घ्यो नहीं छड़ जांदा लो जी अपना मसाला जिहड़ा रिज गया पूरी तरह पक गया हुण आपां इहदे विच पावांगे उबले हुए छोले छोले देखो जी अपने बिल्कुल पक्के पए ने बिल्कुल सॉफ्ट हुए पए ने ते हुण सब्जी बणनूं बहुत घट टाइम लगेगा ते हुण आपां इह सणे पाणी आ जिहड़ा इह विच पावांगे कई जे आपां इहनूं पाणी नूं बाहर कढ दिंदे आ तां सब्जी दा टेस्ट ही बदल जांदा ते फोकी जी रहि जांदी आ ते नाले इहदा रंग भी होर तरह फिक्का जिहा लगदा ते जिहड़े काले चने ने इन्हां दी सब्जी तां फिर काली काली जी वधिया लगदी आ ते नाल पावांगे जिहड़े आपां आलू वाले सीगे उहनां नूं चंगी तरह फेह के पावांगे तां कि जिहड़ी अपनी ग्रेवी आ उह गाढ़ी रहे पूरी लो जी आलू आपां फेर ले हुण आपां इहनां विच पावांगे ते चंगी तरह इहदे विच मिक्स कर दांगे तां कि इहदी गंढ नहीं निकलेगी अपने छोले भी ने जड़े वह भी होए हुए ने जड़े आलू ने वह भी पके हुए ने मसाला भी पक गया तो हूँ इनू बस पांच या पांच तो सत्त मिनट लगनगे सब्जी बनने बड़ा टाइम नहीं लगता तो छोलियां दी काले छोलियां दी सब्जी बहुत टेस्टी होंदी है बच्चे भी पसंद करते हैं बहुत इनू बस बनाने का तरीका होना चाहिए कई बार अपना आप रोज़ बनाते बनाते भी आप तो कई बार गलतियां हो जाए ने ते कोई ऐ रब दे घरों तां कोई सिख के नहीं आया हुंदा इत्थों ही बनाउणी पैंदी आपां सिखदे आ सारे ते इह नहीं पता तुसीं मेरे तो वधिया बनाउंदे होवो जी लो जी हुण आपां इहनूं ढक के पकावांगे थोड़े टाइम लई लो जी सब्जी अपनी बणन वाली आ हुण आपां इहदे विच पावांगे गरम मसाला क्योंकि मैं पहलां नहीं पाउंदी हुंदी फिर इहदा टेस्ट जिहा जिहड़ा विच ही हो जांदा आपां इहनूं कढ़ाउंगे ते सर्व करांगे लो जी अपनी जिहड़ी चना मसाला काले छोले सीगे उह बण बण के तैयार ने ते बहुत सौखे ढंग नाल ते सिंपल तरीके नाल बनाई है ते तुसीं भी बना के देखियो बनाउंदे होवोंगे जिवें तो वधिया बनाउंदे होवोंगे ते वीडियो देखने लई सारयां दा धन्नवाद जी ते मेरे चैनल ते आउण दा सारयां दा धन्नवाद ते वीडियो नूं एंड तक जरूर देखिया करो जी ते जिहड़े मेरा चैनल है जी असी पिंडां वाले नूं सबसक्राइब जरूर करो ते जिहड़ी आपां ने छोलियां दी सब्जी बनाई है इहनूं आपां चपाती सिंपल रोटी नाल पूड़ी नाल ते परौंठे नाल भी खा सकदे आं करो जी इंजॉय तुसीं भी बनाओ ते असी भी करदे आं जी ते मिलदे आं किसे होर नवीं वीडियो दे विच तद तक लई रब रखा।